नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की कार अपनी मजबूती और बिल्ड क्वालिटी की वजह से कई बार लोगों की जान कई सारे मेजर एक्सीडेंट में बचाते हुए आई है, और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जहाँ ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर यहाँ कोई दूसरी अनसेफ कार होती तो क्या हो सकता था। टाटा मोटर्स की वैसे तो मोस्टली बजट या मिड रेंज की कार टेस्टेड हैं और अच्छे स्कोर भी कर चुकी हैं ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में, जिसमें फिलहाल 3 5-स्टार रेटेड कार ऑल्ट्रोस, पंच और नेक्सॉन शामिल हैं। और यही बात कॉन्फिडेंस देती है कि इनकी SUVs जैसे हैरियर और सफारी भी सेफ होंगी। बाकी रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में भी लगातार ये कार्स अच्छा परफॉर्म करते हुए आई हैं, और होपफुली इस साल एयर एंड से पहले हमें इनके क्रैश टेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी टाटा अपने झंडे कार्स के साथ बाकी जगह भी गाड़ रहा है, जहाँ IPL भी अब टाटा IPL बन चुका है, और शायद परफॉर्मेंस को बजट कार ही सही पर एक सेफ कार मिलेगी। टाटा हैरियर का आज एक ऐसा ही मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट किया गया है जहां हैरियर ने अपनी बिल्ड क्वालिटी और मजबूती की वजह से लोगों को सेफ रखा। ये एक्सीडेंट मिस्टर आयान ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल्स भेज सकते हैं। ये एक्सीडेंट शिव सागर आसाम से रिपोर्ट किया गया है, जहाँ आजकल काफ़ी थंडर स्टॉर्म वगैरह हो रहा है, और इसी थंडर स्टॉर्म के चलते टाटा हैरियर के ऊपर एक भारी भरकम बैंक का शेड गिर गया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी आयरन बार्स थी और काफ़ी भारी शेड यहाँ यूज़ किया गया था, पर थैंकफुली टाटा हैरियर में सभी लोग सेफ थे। हैरियर का बोनट यहाँ हल्का सा पिचका है, बाकी ज़्यादा मेजर डैमेजेस कार में नहीं है। कुछ साल पहले हमने टाटा नेक्सॉन का एक एक्सीडेंट देखा था जहाँ पूरा पोल टाटा नेक्सॉन पे गिर गया था, पर पैसेंजर वहाँ पूरी तरह से सेफली बाहर आ गए थे। तो लाइफ आपको बस एक बार मिलती है और इसे वैल्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में चाहे वो किसी भी कंपनी की कार हो, उसे सेफ और मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्सीडेंट काफ़ी है पूरी फैमिली ख़त्म करने के लिए। सो प्लीज़ आप भी जागरूक बने, एक स्पीड लिमिट पर चलने के साथ, सेफ ड्राइविंग के साथ एक सेफ कार को हमेशा प्रेफरेंस ज़रूर दें, जो ये एक्सीडेंट एक बार फिर दिखाता है। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।